ब्रजवासियों के पास नारायण को देने के लिए तो कुछ नहीं है, कोई उनके पास पकवान नहीं है, कोई सुंदर वस्तु उन्हें भेंट करने के लिए नहीं है, लेकिन नारायण वहां की सहजता से चले आए। कभी संसार बड़ा दुखों से भरा हुआ लगता है कि साहब संसार में बड़ा कष्ट है, कोई हमें प्रेम नहीं करता, कोई हमें चाहता नहीं है, और देख लिया दुनिया का नजारा, ना कोई हमारा ना हम किसी के। अरे ऐसा भी तो कठिन नहीं है संसार, लेकिन जब आप सहज नहीं है, जब आपके हृदय में सहजता नहीं आई, विनम्रता नहीं आई, प्रेम को आपने यदि अंगीकार नहीं किया है, प्रेम को यदि सिर्फ पढ़ा गया है, उसको स्वीकारा नहीं है, व्यायाम की पुस्तकें इकट्ठी कर ली बहुत सारी कि ये व्यायाम पेट के लिए होता है, ये व्यायाम आंख के लिए होता है, ये व्यायाम डायबिटीज सही करने के लिए हुआ है, आपने अध्ययन तो बहुत कर लिया लेकिन अभ्यास कुछ भी नहीं किया। किताबें रख ली, पढ़ भी लिया कि ये सारे योग नियम व्यायाम हैं, लेकिन उनको कभी स्वीकारा नहीं तो वो कभी फल भी नहीं दे पाएंगे। तो प्रेम को बहुत जान लिया, बहुत सीख लिया, प्रेम को पढ़ लिया, सुन लिया, लेकिन यदि तो हृदय में नहीं उतारा है तो वो आपको कहां कुछ लाभ दे पाएगा। लेकिन इस बार ब्रजवासियों ने प्रेम को अंदर तक उतार लिया, उन्होंने प्रेम को अंगीकार कर लिया, क्योंकि जब आप किसी का विरोध करने लगते हैं, मैं सहजता की बातें कर रहा हूं, जिसे देख के नारायण रीझ के आ गए, देवकी के पास तो एक पल के लिए भी नहीं रुक पाए, उसे तो वो अपने उस बहु प्रतीक्षित अनंत काल से जिसकी प्रतीक्षा हो रही है उसे एक चुम्बन करना चाहती थी, लेकिन उसके हिस्से में उसके भाग्य में तो वो भी नहीं आई। कहां देवकी कृष्ण को पुचकार पाई थी, उससे पहले तो नारायण वहां से चले गए। वो सहजता से ऐसे आकर्षित हुआ जैसे कि चुंबक लोहे से आकर्षित होती है। जब आप स्वीकार करते हैं और जब आप कंडेम करते हैं, तिरस्कार करते हैं, तो जब आप तिरस्कार करने लगते हैं तो हर चीज आपको बड़ी कठिन लगती है कि ये मेरा पुत्र भी नहीं है, ये मेरी पत्नी भी नहीं है, ये मेरा गुरु भी नहीं है, ये मैं स्वयं का भी नहीं हूं, ये मेरे वस्त्र नहीं, मेरे पड़ोसी ठीक नहीं, मेरा घर नहीं, मेरा देश ठीक नहीं, मेरा गांव ठीक नहीं, कुछ भी तो ठीक नहीं है जब आप तिरस्कार करने लगते हैं। और जब आप स्वीकार करने लगते हैं, जब आप स्वीकार एक्सेप्ट करने लगते हैं, तो धरती मेरी, चंदा मेरा, सूरज मेरा, भगवान मेरा, आकाश मेरा, पूरा देश मेरा, वसुधैव कुटुंबकम, केवल स्वीकार्यता की तो बात है। और जब आप रिजेक्ट करने लगते हैं तो मैं स्वयं का नहीं, मेरा अपना भी कुछ नहीं, मेरे अपने घर के लोग, मेरे अपने मित्र, मेरी अपना ज्ञान, कभी आप अपने ज्ञान को भी रिजेक्ट करने लगते हैं कि मैंने जो सीखा है महाराज कुछ काम का नहीं है, हमने तो पिताजी के कहे में डिग्री कर ली, कुछ भी तो बेकार है, इसका कोई उपयोग नहीं है। कभी जो आधा जीवन आपने सीखा वो आप रिजेक्ट कर देते हैं कि महाराज आधा जीवन तो मेरा खराब हो गया, मैं निर्णय नहीं कर पाया मुझे क्या करना चाहिए था और मैंने ये सब गलत सलत कर लिया, आधा जीवन तो मेरा बेकार हो गया। और जब उसी में से बीनने बटोरने लगते हैं तो बड़े सूत्र हाथ में आ जाते हैं कि बेकार नहीं हुआ नारायण की कृपा से, मैंने तो बहुत सीखा है, इसमें बहुत जाना है, बड़े अच्छे सूत्र इसमें हाथ लगे हैं मेरे, मैंने सहजता को सीखा है। ब्रजवासियों को कुछ बहुत आता नहीं था लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कुछ भी नहीं किया था। जो नारायण ने उन्हें दिया, उन्हें गौपालक बनाया कि तुम गौओं की सेवा करना, तुम धरती की सेवा करना, तुम नदियों की सेवा करना, तुम गोवर्धन की पूजा करना, तो उन्होंने सहज स्वीकार कर लिया। बहुत ज्यादा उसमें रिजेक्शन नहीं है, क्योंकि जब आप रिजेक्ट करने लगते हैं, जब आप चूजी हो जाते हैं
कि मैं चूज करूंगा किससे फ्रेंडशिप करूं. आई विल सिलेक्ट माई फ्रेंड, आई विल सिलेक्ट माई फादर. अगले जन्म में मैं आऊंगा तो भगवान से कहूंगा मुझे ऐसा पिता दे दे. मेरी मां ठीक नहीं है, अगले जन्म में जब मैं आऊंगा तो आई विल सिलेक्ट माई ओन मदर. और फिर आप जब ईश्वर का चयन करने लगते हैं तो कुछ हाथ नहीं लगता, कुछ भी तो हाथ नहीं लग पाता. फिर आप जब गुरु का चयन करने निकलते हैं कि अनेक गुरु हैं किसको चुनूं, तो धोखा हो जाता है, क्योंकि अंतःकरण से तो आपने किसी को माना नहीं. आप सामने छांटने लग रहे हैं कि ये इतने बड़े गुरु हैं, इनका इतना बड़ा ओहदा है, ये ऐसे मुझे उसमें लाभ दे देंगे और मुझे इसमें, तो फिर आप प्रोफेशनल छांट रहे हैं, तो भैया हाथ भी आपको प्रोफेशनली लगेगा. फिर आप वो नहीं कर पाएंगे. तो आज भगवान उस सहजता पर रीझ के आ गए. जब आप अपनी उपलब्धियां दूसरों को देने लगे, आपने कोई जप किया, कोई साधना की, कोई तप किया और आपने किसी को दे दिया और आपको पता भी नहीं, जिसे दिया है उसे आपने बताया भी नहीं कि मैंने तुझे दे दिया. आपने पास कोई उपलब्धि है, आपने कोई साधना की, कुछ धन कमाया, कुछ संपत्ति कमाई, कोई पुण्य कमाए और आपने वो किसी को दे दिया. जैसे हमारे ब्रज में पहले हमारी दादी और ये सब परिक्रमा लगा के आते थे तो पहले बच्चों से पैर छुवाते थे कि पैर छीले, मैं परिक्रमा लगा के आई हूं, ये फल तुझे मिल जाएगा. तो जब आप कोई पुण्य करें और उसका फल किसी को दे दें, आप कुछ बहुत बड़ी आपको प्राप्ति हो और उसको दे दें, यहीं तक नहीं, और जिसको दिया गया है उसको पता ना चले कि आपने उसे दे दिया है, तो फिर आप गोपी हैं. गोपी ऐसी ऊंची स्थिति का नाम है. गोपी कोई वो अहीर बालाएं, वो जाट छोहरियां, वो केवट कन्याएं, वो नहीं है. गोपी माने जो किसी को उच्चता प्रदान करे और उसका अहंकार मन में न लाए. मैंने किसी को आगे बढ़ने में सहयोग किया और गुणगान नहीं कर पाया, मैंने आप जान के गुणगान नहीं किया. मैंने बहुत बड़ा कोई भव्य आयोजन किया, लेकिन मैंने वहां अपना आपको गुप्त रखा, मैंने दान जो किया वो गुप्त किया, तो आप गोपी हैं. यदि तो आपकी साधना का प्रसार हो गया, यदि तो आपके किए हुए पुण्यों को जग जाहिर कर दिया गया, तो वो पुण्य तो है पर आप गोपी नहीं है, कृष्ण रीज के नहीं आए. जैसे ही वहां ये सूचना मिली कि भगवान ब्रज में पहुंचे हैं, सूचना किनको मिली? सूचना मिली भगवान के भक्तों को. जैसे भगवान ने महाराज के समय जब बांसुरी में प्राण फूके तो केवल उनको सुनाई दिया जो उस महारात्रि में आने के अधिकारी थे, वो उनको सुनाई नहीं दी बांसुरी की धुन, जिसे कृष्ण बुलाना नहीं चाहते थे. उसी तरह जब ब्रज में कृष्ण पहुंचे तो वो जो अनंत काल से प्रतीक्षारत थे, वो साधु सन्यासी, वो शील ध्वज, वो कुशल ध्वज, वो बुद्धों से, शुद्धों से, निरंजनों से, तीर्थंकरों से, जो कहीं कहीं बैठे अपनी साधनाओं में थे और भगवान के अनेक अवतारों में जिनसे वचन दिए गए थे कि आपको दर्शन मिलेगा, वो आज ऋषि मुनि महापुरुष ब्रज की तरफ दौड़े. वो वैकुंठ की रमा सहचरियां, वो ऊर्ध वैकुंठ की रमा सहचरियां, वो श्वेत वैकुंठ की देवियां, वो जनकपुर की देवियां, ये सब वहां से दौड़े.